एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रंजना एंड यू आर वाचिंग रंजना ओरा। सो गाइस, आज की जो रेमेडी है वो है अंडर आई डार्क सर्कल के बारे में। गाइस, आज जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ ना, ट्रस्ट मी, ये बहुत इजी है एंड अभी तक की बताई गई सभी रेमेडीज में बेस्टेस्ट रेमेडी है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है क्योंकि ये मेरी खुद की स्किन पे ट्राई किया हुआ है। गाइस, मुझे डार्क सर्कल हो गए थे और उसी पे मैंने इस रेमेडी को ट्राई किया है। इवन जब भी मुझे डार्क सर्कल होते हैं मैं इस रेमेडी को ट्राई करती हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आज तक की जितनी भी रेमेडीज आपने देखी है ना, सबसे ज़्यादा इजी एंड इफेक्टिव रेमेडी होने वाली है। तो वीडियो को चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। बट उससे पहले बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, 100% आई अश्योर यू कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। मेक श्योर गाइस कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है एंड इस तरह की ब्यूटी वीडियो आपसे फ्यूचर में मिस ना हो, उसके लिए जस्ट बगल में बेल आइकन होगा गाइस, उसको भी हिट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, हम ना ट्रीट करने जा रहे हैं डार्क सर्कल, तो कॉजेज जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इस पे भी वर्क करेंगे और रेमेडी भी यूज करेंगे तो दोनों मिलके बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। ओके, तो नंबर वन गाइस, जो कॉज होता है वो होता है आपका 8 घंटे की नींद ना लेना। गाइस प्लीज इस पे वर्क कीजिए। हम सभी इसको बायकॉट मारते हैं, दरकिनार रखते हैं, बट ये सबसे बड़ा कॉज होता है अंडर आई डार्क सर्कल का। नंबर टू गाइस, ये है आपका आयरन डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो भी जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिसकी वजह से वहां पे वो डार्क डार्क आता है। ठीक है, नंबर थ्री गाइस, अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो भी आपका होता है। नंबर फोर, एक्सेस किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करना, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो। तो गाइस, ये बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है, इसके अलावा भी कुछ कॉजेस हैं बट ये मेन कॉजेस हैं। ठीक है, तो आपको 100% इनमें से कोई ना कोई एक ऐसा रीजन आपकी अंडर आई डार्क सर्कल का जरूर होगा। सो अगर आप इस पे भी वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नाउ अब मैं बताने वाली हूँ सबसे इजी मैथड डार्क सर्कल को छूमंतर करने का। सो गाइज, ये है वो रेमेडी, वो मैथड जो आपके अंडर आई डार्क सर्कल के रामबाण है, बिल्कुल औषधि है गाइज ये आपके डार्क सर्कल के लिए। तो आपको क्या करना है, मीडियम साइज का एक पोटैटो लेना है, इसको अच्छे से मैंने धुल लिया है। नाउ आपको क्या करना है, इसको ना 20 से कट करना है। आपने इसको 20 से कट कर दिया, अब आपको इसके दो पार्ट इस तरह से मिल जाएंगे। नाउ अब आपको क्या करना है, इसको इस तरह से ऐसे पकड़िए और ऐसे ऐसे हल्के हल्के ना इसमें लाइंस बनाइए। इससे क्या होगा, पोटैटो का जो जूस है वो थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में निकल आएगा। ठीक है, अब आपको इसके साथ क्या करना है, देखिए इसमें जूस काफी ज्यादा निकल चुका है। आप ऐसे करके मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, गाइस ये देखिए ये टप टप भी करने लगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अपनी आंखों के साइज, इसीलिए गाइस मैंने आज कुछ भी मेकअप जैसा नहीं किया है, अपनी आंखों के साइज का मेक श्योर कि बहुत इसका आपका एक चिप्स बना लेना है। ठीक है, थोड़ा मोटा चिप्स जो होता है, आपको मेक श्योर कि ये बहुत ज्यादा मोटा ना हो इसकी लेयर। लुक मैं काट के आपको बताती हूँ, ये ऐसे आपको इसको कट कर लेना है। ठीक है गाइस, सो गाइज ये है वो दो स्लाइसेस, आप पास से देखिए अच्छा खासा इसमें कट आपको दिख रहा होगा और बहुत ही ज्यादा इसमें आलू का जूस है। ये जो स्टार्च है या ये जो इसमें विटामिन सी है, यही आपकी आंखों के लिए रामबाण है। ये आपकी अंडर आई पे ये जो पफिनेस है उस पर भी वर्क करेगा, जो फाइन लाइन्स आती है उस पर भी वर्क करेगा। साथ ही साथ इसमें बहुत ही अच्छा नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, ये इसलिए आपके डार्क सर्कल पे भी बहुत अच्छे से काम करेगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल इन दो स्लाइसेस को गाइस जब भी आप रेस्ट कीजिए, दिन में दो बार करना है, जब भी आप रेस्ट कीजिए सिंपल इसको अपनी आंखों पे इस तरह से रख लीजिए। रखने के बाद आप आराम से रेस्ट कीजिए गाइस, 20 मिनट तक आपको इसको रखना ही रखना है। अब इसके बाद गाइस बात करते हैं इन दो को क्या करना है आपको, इसको आप इस तरह से ऐसे ही करके फ्रिज पर रख दीजिए। अगर जब आप इसको दोबारा देखेंगे तो हल्का सा हो सकता है कालापन पड़ जाए, तो आपको क्या करना है, इसकी एक पतली सी स्लाइस कट करके निकाल दीजिए और उसके बाद फिर से आपका ये आलू इस तरह से सफेद सफेद सा हो जाएगा। आप इसको डेली दिन में दो बार कीजिए गाइस, जितना डार्क सर्कल आपका होगा ना, जितना ही एक्युमुलेशन होगा वो ब्लैक ब्लैक एरिया का, उतना ही आपको टाइम लगने वाला है। मतलब कि अगर आपके कम डार्क सर्कल हैं तो ये रेमेडी आपको हार्डली 3-4 days में रिजल्ट दे देगी। अगर आपके थोड़े डार्क सर्कल ज्यादा है तो 7 days या 15 days भी लग सकते हैं।
तो या गाइस ये थी रामबाण रेमेडी आपके डार्क सर्कल के लिए। गाइस आई अश्योर यू कि इससे बेटर कोई भी मार्केट में क्रीम अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज 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 इस रेमेडी को प्लीज जिस तरह से मैंने बताया है सिंपल इजी वे में इसको आप ट्राई कीजिए। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, ये थी मेरी आज की रेमेडी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही हो। प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा, 25 मिनट तक आपको अपने आंखों पे इसको ऐसे ही रखना है, उसके बाद प्लेन वाटर से साफ कर देना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। सो दिन में दो बार ट्राई कीजिए, अपना रिजल्ट मुझसे जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज उसको जरूर लिख दीजिए, मैं आपके हर एक कॉमेंट का आंसर जरूर करती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार।